हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। 16 से लेकर 21 तक हम इस वीडियो में कर लेंगे, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इनकी फ़ोटोज़ ले लेके, फ़ोटो क्लिक कर करके मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है, सारे ही एनसीटी सॉल्यूशंस के। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अप मास एम इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब कैसे बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो क्या मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि इस मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है हमें क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट को क्या लाना है, रेस्ट पर ले आना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी जो हो गई इनिशियल हो गई, यहाँ पे जब हमने उसको रोक दिया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब रेस्ट स्पेस को लेकर आना होगा। तो अब हम इसको अंदर कैसे लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि क्या अंतर आना चाहिए इसका। तो हमें पता है वर्क डन जो होगा वो जो हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे, ठीक है। इनिशियल को माइनस करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज़ हाफ एम और वी का स्क्वायर। तो एम हमें इसमें जो हमारा वी है वो क्या है, हमारा जीरो है, फाइनल में हमारा जीरो हो जाता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हमारा वी का स्क्वायर ही रहता है, ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो इसमें हमारा m से किसी भी चीज़ ज़ीरो को इंटू करोगे तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, बचता क्या है हमारा, माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर हमारा बच जाता है वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव वर्क हमें उसके अंदर करना होगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो हम इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं कि एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज डू नेगेटिव वर्क ऑन इट इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। नेगेटिव वर्क करना पड़ गया हमको, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 15,000 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसके अंदर हमें वर्क निकालना है, क्या निकालना है, हमारा वर्क निकालना है रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार, ठीक है। मास दे रखा है उसका, वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ इसके अंदर गिवन है, ठीक है। तो हमें m गिवन है, दैट इज़ 1500 kg। वेलोसिटी हमें गिवन है, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। हमें 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज 60 × 1000 / 60 × 60, तो ये आपका आ जाएगा 50/3 m/s। इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, 60 से 60 कट गया, इसको 2 से कट करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। जब हम उस कार को स्टॉप कर देंगे तो हमारी ये हमारा इनिशियल होगा कि वो मूव करता जा रहा है, जब उसको स्टॉप कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसके अंदर वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूस मूव कर रहा है, हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है उसका फॉर्मूला, हाफ इंटू एम हमें पता है, 1500 इंटू वेलोसिटी हमें पता है, दैट इज 50/3, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लो आप, इसका स्क्वायर भी तो हमें करना होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है,
तो सिंपली आपका इसका आंसर आ जाएगा -20833.3 जूल्स, यह आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसका फाइनल निकालूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 × 1500 × वेलोसिटी, तो ज़ीरो हो जाती है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा हमारा। तो सिंपली है हमारी वेलोसिटी माइनस में आ रही है, हमारी किसके अंदर आ रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस में क्यों आ रही है ये, बिकॉज हमें उसे कार को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 16 क्वेश्चन में किया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इंटू 10 कर सकते हो, कितना, 1, 2, 3, 4, 4, हम 20.6 करेंगे तो 10 4 कर देंगे, तो 20.8 × 10^4 जूल्स, पॉइंट को हमने आगे कर दिया और 10 को 10 की पावर को आगे कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या निकल गया, आंसर निकल गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें निकाल के हमें कितना कार को स्टॉप करने के लिए हमें वॉक बताना था कि कितना लग सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ आपको करना नहीं है, कार को स्टॉप करना है तो नेगेटिव वर्क डन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट मास एम, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। तो आपको बताना है, आपको तीन ये दे रखे हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, बिकॉज हमने पढ़ा है वर्क डन, अगर डिस्प्लेस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, मतलब ज़ीरो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ज़ीरो वर्क डन हो रहा है इसके अंदर। आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट मींस पॉजिटिव वर्क डन हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट मींस नेगेटिव हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, इसमें नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे लिख सकते हो, ऐसे तो लिखोगे नहीं खाली पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसे तो लिखोगे नहीं, इसमें लिखोगे सिंस इन दिस डायग्राम डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सो द वर्क डन इज जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे करके लिखना है, इसमें लिखोगे कि सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द वर्क डन इज पॉजिटिव, इसमें लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको इसके अंदर लिख देना है, इतना तो आप खुद भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सोनिया सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन अ सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि सोनिया कहती है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो सकता है। जीरो क्यों हो सकता है, क्यों, व्हेन सेवरल फोर्स, अगर बहुत सारी फोर्स लग रही हो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, हर जगह से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, हर एक डायरेक्शन से क्या लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है, और सोनिया बोल रही है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो मैं बोलती हूँ कि हाँ, सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो ठीक क्यों कह रही है, सेवरल फोर्सेज उस पर लग रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी तरफ हो ही नहीं रहा है, सारी फोर्स क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो नेट फोर्स जो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारी फोर्स इस डायरेक्शन से भी लग रही होगी, इस डायरेक्शन से भी, इससे भी, इससे भी, हर एक डायरेक्शन से लग रही होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं पाएगा ना, वो कैंसिल आउट होती रहेगी, ये इससे कैंसिल करेगी, इसको इसको कैंसिल करेगी, तो ये नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, वो मैं लिख देती हूँ। येस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, दिस हैपन व्हेन ऑल द फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट फोर्स की वजह से, ठीक है, इतना क्लियर है। 20 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय द फोर डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वोल्ट ईच। तो हमें फोर डिवाइसेस यूज हो रही है 10 घंटे के अंदर और पावर है 500 वोल्ट ईच, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पावर शेयरिंग
तो इसमें हम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं ऑफ ईच डिवाइस, ठीक है। तो पावर कितनी हो गई इसमें दे रखी है, 500 वॉट दे रखी है। तो किलो वॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 किलो वॉट, ठीक है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 10 आवर्स दे रखे हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब इसके अंदर पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब वर्क डन का क्या मतलब होता है, वर्क डन का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी क्या है कंज्यूम्ड हो रही है बाय ईच डिवाइसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, बाय ईच डिवाइस। तो हमें इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम ही निकालनी है कि 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और 4 डिवाइसेस की पावर जो है वो 500 वोल्ट है। तो एनर्जी कंज्यूम पावर और टाइम को इंटू कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो पावर आपको दे रखी है 0.50 इंटू टाइम आपको 10 दे रखा है, तो सिंपली आपका आ जाता है 5 किलो वॉल्ट आर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 4 से इंटू भी कर दोगे, जिससे आपका क्या निकल आएगी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो जब आप 4 से इसको इंटू करोगे 5 को, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 20 किलो वॉट आर निकल जाएगी। तो फाइंड द एनर्जी इन विच अ किलो वॉट आर कंज्यूम्ड, तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, दैट इज 20 किलो वॉट आर, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई है। तो हमने किसकी निकाली है, एनर्जी कंज्यूम्ड हमने निकाला है 4 डिवाइसेस का, ठीक है। इतना ओके। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब कोई भी ये ऑब्जेक्ट है ये आराम से ग्राउंड पर गिरा, ठीक है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको मुझे आपको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि क्यों इंक्रीज होगी क्यों डिक्रीज होगी, हम ये बार बार हर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब वो फॉल करेगी ग्राउंड पर जब वो फॉल करेगी तो कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो साउंड एनर्जी भी होगी इसके अंदर। साउंड एनर्जी जब वो हिट करेगी तो कुछ हीट भी होगी, तो इसके अंदर हीट एनर्जी भी होगी, ठीक है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। इतना क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही इसके अंदर आपको बताना था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस टू द ग्राउंड, ऐसे करके आप लिख सकते, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, हमने एग्जांपल्स नहीं करे हैं। अगर आपको एग्जांपल्स की वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। हम इंडेक्स क्वेश्चंस और चैप्टर के पीछे जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन है वो सारे हम कर चुके हैं, 21 क्वेश्चंस हमें गिवन थे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब से 10th क्लास के जो हैं वो सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, वीडियो सब सैम्पल पेपर की आएगी, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।